पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौवंश को सुरक्षित और उनकी देखभाल करने के लिए एक फंड जारी किया गया था, जिसके तहत हर जनपद में गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा और सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को गौशाला में रखा जाएगा। लेकिन मुरादाबाद में अभी भी सड़कों पर गौवंश घूमते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। हर गली मोहल्ले में गौवंश सड़कों पर घूमते हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि गौवंश पूजनीय है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के द्वारा शहर में घूम रहे गौवंश को सुरक्षित करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रशासन से मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के द्वारा सड़कों पर घूम रही गायों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास किया गया और गौवंश का पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के सभी सदस्यों ने मिलकर पूजन कार्यक्रम में भाग लिया और सभी को संदेश दिया कि सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को गौशाला में पहुंचाया जाए, तो वहीं प्रशासन से मांग की गई थी कि सड़कों पर घूम रहे गौवंश को गौशाला में लाया जाए। दरअसल क्या है, ये रोड पे, सड़क पे, कूड़े के ढेरों पे जो गौ माताएं घूमती हैं, गौवंश घूमता है, हम मुरादाबाद के प्रशासन को, नगर निगम को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सड़क पे घूमने वाला गौवंश है, इसको पकड़वाया जाए और गौशाला भेजा जाए। ये कूड़े की गंदगी खाती हैं, हम गौ माता कहते हैं उनको, लेकिन ये सड़क पे घूमती देखती, लाचार, बीमार, नगर निगम बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं करता है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं करता है। हम लोग शिकायतों पर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे कि गौवंश को जो सड़क पर घूमने वाला है उसको गौशाला भेजा जाए और गौशालाओं में उनको चारे की, डॉक्टर की व्यवस्था हम लोग भी अपनी तरफ से कराते हैं। धन्यवाद।